अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन सेहत वाली लंबी जिंदगी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी है ग्रीन चिकन। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 kg चिकन लिया है, यानी 1.5 kg चिकन है। 4 मीडियम साइज ऑनियन है जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था। कोरिएंडर लीव्स है, कोथमीर, मिंट लीव्स है, फुदीना, और ये ड्राई स्पाइसेस है। इसमें मैंने ब्लैक पेपर लिया है, वाइट पेपर लिया है, ड्राई गार्लिक पाउडर लिया है, चिकन पाउडर, चिकन का मसाला लिया है मैंने। मैंने तमाम ड्राई स्पाइसेस है उसको मैंने 1 to 2 teaspoon लिया है, और जो कोरिएंडर पाउडर है यानी धनिया जीरा पाउडर है उसको मैंने 2 tablespoon लिया है, और यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है जो मैंने 2 tablespoon, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 2 tablespoon लिया है। यहाँ पर ये दही है, वन थर्ड कप दही लिया था मैंने, 1/3 कप योगर्ट, 1 tablespoon लेमन जूस, 12 आलमंड्स है, और ये ब्राउन ऑनियंस है, ये तीनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे हम लोग। पहले ये जो कोथमीर था, फुदीना था, और 2 मिर्ची ली थी मैंने हरी, उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया। ये भी चिकन में चला जाएगा। जो ब्राउन ऑनियंस थे, आलमंड और कस्टर्ड थे, वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये भी चिकन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं ग्रीन फूड कलर डालूंगी जो मेरे पास लिक्विड में था, और इसको मैंने डाला है 1/4 teaspoon। मेरे पास लिक्विड में अवेलेबल था तो मैंने लिक्विड फूड कलर डाला है। अगर आपके पास पाउडर में है तो वो डाल दीजिए। चिकन को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए चिकन को हम फ्रिज में रख देंगे। फ्राई पैन ली है हमने, इसमें ऑयल चला गया है। अच्छा ऑयल मैंने यहाँ पर लिया था, 1 कप में थोड़ा सा कम था। अब यहाँ पर जाएगी खड़े मसाले, होल ड्राई स्पाइसेस। उसमें है ये शाहजीरा है, 4 लौंग है, 2 इलायची थी जिसको मैंने क्रश कर लिया था, और 2 टज थे। अब अच्छे से गरम कर लेंगे। जब खुशबू आने लगे तो फिर इसमें हम चिकन को ऐड कर लेंगे।
नमक मैंने हसबे जायका डाला था, जो मैं बोलना आगे मेंशन करना भूल गई थी। स्टीर कर लेंगे चिकन को और अच्छे से पकने देंगे। अच्छा, चिकन को मैंने कवर करके पकाया था 2 मिनट्स के लिए, लेकिन वो क्लिप किसी वजह से डिलीट हो गई है। अब यहाँ पर हमारा चिकन रेडी हो गया है, मैं डिश आउट कर रही हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आखिर में कोथमीर से इस तरह गार्निश कर ले डिश को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।